शांति। आज की तारीख है 20/10/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा जो हम बच्चों को सदैव ही अपने संग में अर्थात गॉड इज ट्रुथ तो सत्य है तो सत्य के संग में रखते हैं और हमें सदैव कुसंग से बचाए रखते हैं। तो ऐसे सत्संग में रखने वाले कुसंग से बचाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में गुटके आते हैं। प्रश्न है आज का, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमानी वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? देह अभिमान वाले बाबा कहते हैं आध्यात्मिक कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक है कि बाप जो सुनाते हैं उसे सुन करके क्या करना है, अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से फिर सुनाना भी है, जो हमने सुना वो बाबा कहते हैं फिर दूसरों की सेवा करो सुनाने की, उनको भी सुनाना है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल नहीं देना है। कमाई के समय कभी भी उबासी नहीं लेनी है। नंबर दो है बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का क्या करना है, बाबा कहते हैं धंधा करना है। हम ब्राह्मणों का धंधा क्या, नर से नारायण बनना और सभी को बनाना। वरदान है आज का, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखलाने वाले विशेष आत्मा भव। अंदर से आंतरिक खुशी होगी तो चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई पड़ेगी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना भी नहीं है लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर न आए, सदा प्रसन्न चित्त। अब ये नहीं सोचो कि उसने एक घंटा बोला तो मैंने तो सिर्फ एक सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। एक घंटा सहन किया फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। अगर एक सेकंड कुछ बोल दिया तो गुब्बारे से जैसे गैस निकल गई, चेहरा अप्रसन्नता का हो गया। तो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।